बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन जमातों का टोला ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहा है। अपोजिशन के पास कोई लीडर नहीं, सारी अपोजिशन थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है। उनको ताकत की गोलियों की जरूरत है। खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। बिलावल को क्या पता पाकिस्तान की सियासत क्या है? बिलावल भुट्टो को लाड़काना का गलियों का भी पता नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर आमद। बिलावल भुट्टो के अमरा यूसुफ रजा गिलानी और कामत जमान कायरा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से उनकी सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की और दोनों रहनुमाओं के माबेन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम करे। अफगान आवाम की मुश्किलात को कम करने में मदद के लिए मुंजमिद असासों की बहाली समेत फौरी इकदामात की जरूरत है। हुकूमत पंजाब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी और दीगर कारकुनान के खिलाफ 40 मुकदमात वापस लेने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात वापस लेने से मुतालिक इकदामात शुरू। महकमे दाखला पंजाब का कहना है कि साद रिजवी के खिलाफ मुकदमात को कानूनी तरीके से देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमती टीम को एक बार फिर ना घबराने का मशवरा दे दिया और क्रिकेट टीम की मिसाल देते हुए कहा कि अगर क्रिकेट टीम आखिर तक पूरा एतमाद रहती तो हरगिज ना हारती। 1947 में मिलने वाली आज़ादी भी थी। अदाकारा कंगना रनावत ने कहा कि भारत को असल आज़ादी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इक्तदार में आने के बाद मिली, जिस पर भारतीय आग भगोला होकर सड़कों पर निकल आए। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जारी करदा बयान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 33,862 टेस्ट किए गए, जिनमें से 231 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। एबीसी न्यूज़ से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स ले रही है हमारे साथ।